चलिए बात करेंगे फिर से पलवल की। आठवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा का रात के समय चाकू के बल पर अगवा कर उसे जूस में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस जांच अधिकारी मुनि ने बताया कि उन्हें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गांव में मौजूद है। सूचना मिलते ही मौके पर दबिश दी गई और आरोपी को काबू कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ गांव निवासी 14 वर्षीय पीड़िता छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 8 सितंबर को रात को वह घर में सोई हुई थी। उसी रात 1 बजे के करीब गांव निवासी एक युवक घर के अंदर आया और पीड़िता को जगाया। पीड़िता ने जैसे ही युवक का चेहरा देखा तो उसने चाकू दिखाकर पीड़िता के मुंह को बंद कर दिया, जिसमें हमने कल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आज पेश अदालत के जरिए उसका सेक्सुअल मेडिकल करवा दिया और कोविड वाला मेडिकल करवा के आज पेश अदालत करवा दिया।